अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में इस बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चाइनीज़ की दो ऐसी रेसिपी जिसे आप झटपट घर पर बना सकते हैं। काफ़ी कम समय में ये बनकर तैयार हो जाता है, महज आधे घंटे में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बना लूँगी मंचूरियन बॉल्स, जिसके लिए करीब 3 कप के बराबर मैंने बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी यानी कि कैबेज ले लिया है, 1 कप मैंने गाजर कद्दूकस करके ले लिया है और 1 कप के बराबर मैंने प्याज ले लिया है बारीक काट कर। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 1 बड़ा चम्मच दरदरा कूटा हुआ लहसुन। 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने ग्रीन चिली सॉस डाल दिया है जिससे कि चटपटा फ्लेवर आ जाएगा। अब इसमें मैं डाल दूंगी 3 से 4 बड़े चम्मच मैदा, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। कॉर्नफ्लावर और चावल के आटे से बहुत ही अच्छा क्रिस्पीनेस आएगा। नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार और अब इसमें मैं डाल दूंगी रेड ऑरेंज फूड कलर, जिससे कि ये मंचूरियन बॉल्स एकदम ऑरेंज रंग में बनकर तैयार होगा, जैसे कि स्ट्रीट स्टाइल बनता है। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, पकौड़ियों का जो मिक्सचर होता है बिल्कुल उसी तरह से इसे तैयार कर लें। आप चाहें तो सिर्फ पत्ता गोभी से भी मंचूरियन बॉल्स बना सकते हैं, आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, हरी प्याज भी थोड़ी सी मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 बेसिक सब्जियाँ ली हैं। आखिर में मैंने आधा छोटा चम्मच काली मिर्च कूट कर डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तेल को एक तरफ मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। छोटे छोटे पोर्शंस को इस तरह से हाथों में लेकर गोल शेप देकर इनको मीडियम आँच पर क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। ध्यान रखें कि मैदा, राइस फ्लावर और कॉर्नफ्लावर ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, नहीं तो ये सॉफ्ट नहीं बनेंगे, अंदर से ये हार्ड हो जाएंगे। तो इसीलिए हिसाब से ही सारी चीज़ों को डालें। तो यहाँ पर ये देखिए पकौड़ियों को मैंने तलना शुरू कर दिया है। छोटे छोटे मंचूरियन बॉल्स बनाकर अच्छा क्रिस्पी और गोल्डन होने तक इनको फ्राई कर लेना है। तो एक तरफ से जैसे ही ये थोड़े से सुनहरे हो जाएं, इनको पलट कर दूसरी तरफ से भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से हमारे मंचूरियन बॉल्स बनकर तैयार हो जाएंगे। इनको एक टिश्यू पेपर पर निकाल लें जिससे कि एक्स्ट्रा तेल इनका निकल जाए। तो यहाँ पर एक बार ये मंचूरियन बॉल्स बनकर तैयार हो जाए तो इनको मैं तेल में से निकाल लूँगी। इसके बाद हम बनाएंगे मंचूरियन के लिए ग्रेवी। तो यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा तेल है मैंने उसे निकाल लिया है। करीब 2 से 3 बड़े चम्मच तेल मैंने रहने दिया है। डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, करीब 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 1.5 से 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन बारीक काट कर डाल दिया है। लहसुन हल्का सुनहरा हो जाए तब तक इनको भून लेना है। इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप के बराबर पतले स्लाइस में कटा हुआ हरा प्याज। तो हरे प्याज का जो प्याज वाला हिस्सा है उसे डाल दें और इनको तेज़ आंच पर हल्का ट्रांसलूसेंट होने तक भून लेना है। फिर इसमें मैं डाल दूंगी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और बारीक कटा हुआ गाजर, हल्का सा इनको भून लेना है। इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी कुछ सॉसेस, जैसे कि करीब 3 बड़े चम्मच सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस डाल दूंगी करीब 2 बड़े चम्मच। सोया सॉस डाल दिया मैंने, ये ग्रीन चिली सॉस डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच स्वीट चिली सॉस, यानी कि जो टोमेटो का हॉट एंड स्वीट सॉस आता है उसे डाल रही हूँ। तो इसे थोड़ा सा डाल देने से जो फ्लेवर है इसका बैलेंस हो जाएगा और हल्का सा रेडिश कलर आ जाएगा। पानी डाल दिया है मैंने यहाँ पर, अच्छे से इसे मैं मिक्स कर लूँगी। काफ़ी लोग करीब 1 छोटा चम्मच चीनी डालते हैं, तो चीनी की जगह मैंने यहाँ पर हॉट एंड स्वीट सॉस यूज़ किया है, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इस मंचूरियन में। यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और उबाल आने तक इसे पका लेना है। जब तक मंचूरियन करी तैयार हो रहा है, यहाँ पर आधे कप पानी में मैं 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर घोलकर इसका एक घोल बना लूँगी, एक स्लरी बना लें इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंचूरियन करी में हल्की सी उबाल आने लगी है, तो कॉर्नफ्लावर की स्लरी डालकर अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, जिससे कि बहुत ही अच्छा गाढ़ापन आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर की स्लरी इसमें डालते रहें और मिक्स करते रहें, तो इस तरह से इनकी गुठलियाँ नहीं बनेंगी और काफ़ी अच्छा थिक कंसिस्टेंसी वाली मंचूरियन ग्रेवी बन के तैयार हो जाएगी। तो एक बार ये करी में उबाल आ जाए, अच्छे से ये पक जाए, इसे मैं डाल दूंगी मंचूरियन बॉल्स और उबाल आने तक इसे करीब 2 मिनट के लिए और पका लूंगी। फिर इसमें डाल देना है हरा प्याज, यानी कि हरे प्याज का जो पत्ता वाला हिस्सा है उसे बारीक काट कर उसे डाल दूंगी। आखिर में नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार और बारीक कूटा हुआ काले मिर्च का पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर हमारी मंचूरियन करी बनकर तैयार है। आखिर में डाल देना है नमक स्वाद अनुसार, 2 बड़े चम्मच विनेगर और काली मिर्च का पाउडर कूट कर डाल दूंगी।
आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना टेम्पटिंग बना है, ये एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल इसका लुक है। तो चलिए अब बनाते हैं फ्राइड राइस, जिसके लिए एक वॉक ले लिया है। इसमें मैं डाल दूंगी करीब 4 से 5 बड़े चम्मच तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाए इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 1 बड़ा चम्मच दरदरा कूटा हुआ लहसुन। इनको थोड़ा सा भून लेना है। तो अब इसमें डाल देना है 1 कप के बराबर बारीक कटा हुआ प्याज, यानी हरे प्याज का जो प्याज वाला हिस्सा है उसे बारीक काट कर डाल लेना है। जल्दबाजी में यहाँ पर रह गया तो मैंने एक ट्रिक से उसे बाद में मिक्स कर लिया था। फिर बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल दिया है और बारीक कटा हुआ गाजर। इन सारी सब्जियों को अच्छे से भून लें और इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 2 से 3 कप के बराबर बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी। तो जिस तरह से चावल बारीक होते हैं, यहाँ पर सारी सब्जियों को भी उसी हिसाब से बारीक काट कर यूज़ करें तो जिससे कि फ्राइड राइस दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा। जब तक सब्जियाँ पक रही हैं, मैंने दूसरी तरफ एक तड़का पैन में थोड़ा सा हरा प्याज लेकर उसे भून कर डाल दिया है और सब्जियों के साथ मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैं डाल दूंगी सोया सॉस करीब 2 से 3 बड़े चम्मच। अच्छे से इसे मैं मिक्स कर लूँगी। फ्राइड राइस को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए इसमें मैं डाल दूंगी 2 से 3 बड़े चम्मच ग्रीन चिली सॉस और करीब 2 से 3 बड़े चम्मच हॉट एंड स्वीट सॉस, यानी कि जो टमाटर का हॉट एंड स्वीट सॉस आता है उसे डाल दूंगी, जिससे कि चीनी का भी जो इंग्रेडिएंट है वो इसमें आ जाएगा और काफ़ी अच्छा चटपटा फ्लेवर मिलेगा। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। फ्राइड राइस बनाने के लिए चावल मैंने पकाकर उसे पूरी तरह ठंडा कर लिया है। आप चाहें तो बचे हुए चावल से भी फ्राइड राइस बना सकते हैं, नहीं तो अगर आप ताज़ा बनाकर चावल यूज़ कर रहे हैं तो पूरी तरह उसे ठंडा हो जाने दें। ध्यान रखें कि चाइनीज़ में पहले ही नमक न डालें, नहीं तो सब्ज़ियाँ हमारी काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगी, इनका कुरकुरापन बरकरार रहे। और पूरी सब्जियों को तेज़ आंच पर ही पकाना है, ये चाइनीज़ बनाने की सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। यहाँ पर मैंने करीब 1 कप के बराबर चावल पकाकर ले लिया था, उसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे मैं डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार ताकि चावल के साथ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। फिर इसमें डाल दूँगी विनेगर करीब 2 से 3 बड़े चम्मच और आखिर में बारीक कटा हुआ हरा प्याज, यानी कि जो प्याज का हरे पत्ते वाला हिस्सा होता है उसे बारीक काट कर ले लिया है, उसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। साथ ही साथ डाल दूंगी 1/2 छोटा चम्मच दरदरा कूटा हुआ काले मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पर हमारा फ्राइड राइस बनकर तैयार है। बारीक कटे हुए हरे प्याज को डालकर अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। हरे प्याज से फ्राइड राइस का फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और साथ ही साथ दिखने में भी बहुत टेम्पटिंग दिखता है, तो इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्राइड राइस हमारी बनकर तैयार है, मंचूरियन भी बनकर तैयार है। तो झटपट इसे गर्मा गर्म आप परोसें, सभी को बहुत पसंद आएगा। आप चाहें तो बच्चों के लिए साइड बाय साइड नूडल्स भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। शेजवान नूडल्स, हक्का नूडल्स और चाउमीन, मैंने सारी नूडल्स की रेसिपी अपने चैनल पर डाली हुई है और इसी तरह से बहुत सारी चाइनीज़ की अलग अलग वैरायटीज़ की रेसिपी मैंने डाली हुई है, जैसे सूप से लेके नूडल्स तक, फ्राइड राइस से लेके चाइनीज़ के स्टार्टर तक। तो आप इन सारी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।